कबड्डी 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 कबड्डी, ओए लात मार रही है ये, मेरे ऊपर चली गई है, नहाने नहीं मांगती है। ओ वाओ, चलो भाई तो आज है सेकंड लास्ट डे। अच्छा और आज क्या एक्टिविटी कर रहे हैं? तो मैंने देखा कि भाई ये वाला जो जानवर है हमारा काफी गंदा हो चुका है और इसको नहलाना जो है इस वक्त जो है बहुत अशद जरूरत हो गई है। बात तो सही है और गर्मी भी सख्त पड़ रही है, तो आज हमने इसको अलग करके यहाँ पर बांध दिया कूटे पे और अब हम इसको नहलाने की तैयारियाँ कर रहे हैं। पाइप जो है रेडी हो गया है, सर्फ वाला पानी बन रहा है, तो आज हम ब्रेक द हीट चैलेंज करने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चले जी करीब आ जाओ। चले जी ये देखें, आए हाय, थोड़ा जानवर डर रहा है लेकिन ये जो है पीछे से बड़ा गंदा हो गया और फुल डर रहा है इस वक्त, लेकिन मज़ा भी यकीनी तौर पे आ रहा होगा क्योंकि गर्मी शदीद है। देखिए यहाँ से जो है ना असल गोबर लगी हुई है, ये टास्क है हमारा यहाँ से इसकी गंदगी साफ करना। अब मुझे लग रहा है इसको आहिस्ता आहिस्ता ना मज़ा आना स्टार्ट हो गया। चल झूठा, सर्फ का पानी रेडी कर दिया, पहले पानी डालेंगे अच्छे से गीला करके, उसके बाद सर्फ लगाएंगे, उसके बाद जो है फिर से एक दफ़ा पानी डाल के जानवर रेडी। मैं नहीं मानता। बहुत दिनों से गंदा हो रहा था तो आहिस्ता आहिस्ता अब ये बहुत सख्त हो गया, तो इसको पहले ना गोबर को नरम करके फिर जो है हमें साबुन लगाना पड़ेगा। अच्छा ऐसा ना हो फूटा ही निकल जाए और गाय गीली गीली भागे, कभी गीली गाय को भागते हुए नहीं देखा हमने। चले जी तो ये पहला मरहला हमारा पास हो गया और हमने जो है गाय को गीला कर दिया। अब जो है बारी है सर्फ लगाने की। कहना तुम क्यों नहीं आ रही? अब बारी है सर्फ लगाने की, तो हो सकता है ये सर्फ लगाने ना दे हमें, लेकिन ये ब्रश है, करीब आ जाए थोड़ा, आप डरे नहीं कैमरामैन। ओए होए होए, कबड्डी 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 कबड्डी, ओए लात मार रही है। हमारे पेट में मेहमान तो नहीं है? बहुत शदीद गुस्से में है गाय कि हमने इसको गीला क्यों कर दिया, ये मेरे ऊपर चली गई है। अजब बेइज्जती है, नहाने नहीं मांगती है। लाइक शेयर। ओ ये क्या हो गया, ब्रश गिर गया टांगों के पास। ओ वाओ भाई, ये तो टांग जला रही है, कैसे नहलाएं इसको? जा पूछ के। शदीद वाली टांग चला रही है, ये चेक करेगा, ये चेक करेगा, जहाँ मैं ब्रश लगा रहा हूँ टांग चला रही है, तो नहलाए कैसे बंदा? आ जा उधर, आ जा, टिकी नहीं रही एक जगह। मुझे लगता है मैं रस्सी छोटी छोटी करके बांधनी चाहिए थी, तो मैं बांध नहीं सका और अब ये जो है ना बड़ी हिल रही है, क्या करा जाए? मौका देखते ही मैं पीछे जाऊँगा, टिक नहीं रही है। इसको हमें कहीं ऐसी जगह बांधना चाहिए था कि ना ज़्यादा इसकी मूवमेंट ना हो। अब ये मूवमेंट इतनी कर रही है ना, इसकी वजह से हमें जो है सफाई करने में मुश्किल आ रही है क्योंकि ये टांग शदीद चला रही है। अब पीने बिल्कुल भी नहाने के दिल नहीं है इसका, लेकिन डर बहुत रही है। सर्फ का पानी सारा जाया हो गया, आधे से ज्यादा तो नीचे गया। ओके। और ये सर्फ का पानी पी रही है।
अब लेकिन हमने जितना भी सर्फ डाल दिया है अब उसको हमें साफ करना है। लेकिन असल मुद्दा ये है कि जो गोबर चिपका हुआ है ना वो निकला नहीं है और ये टांगे मार रही है, इजाज़त नहीं दे रही कि हम इसको सही से नहलाएं। मज़े से बहुत सारे जानवरों का मज़ा आता है नहलाते हुए, लेकिन इनको पता नहीं क्या नखरे, नहलाना नहीं जा रही तो हम पानी मार देंगे खाली। ये सही है, ये प्रेशर तो खैर मारने दे रही है, ब्रश लगाने नहीं दे रही थी, अब प्रेशर से ये हो रहा है कि गंदगी जो है ना बहुत हद तक हट जा रही है, ये बेहतर है। उस तरफ कोई मसला है, इस तरफ पानी नहीं डालने दे रही। चलो भाई, कुछ तो ना से हाँ हुए लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, जिस तरह से मैं जा रहा था ना वैसे ये ना ही है नहीं, लेकिन फिर भी चले कुछ काम बेहतर हुआ है। अब इसको हम थोड़ा देर सूखने रखते हैं और जो है फिर इसको चारे पे लगाते हैं दोबारा से। ये दोनों साफ़ सुथरी चिकनी हो रही हैं, इसको नहलाने की ज़रूरत है नहीं। पानी मैंने जो है सुबह मार दिया था तो ठंडा करने के लिए खाली, तो वो कर दिया। अब जब तक ये सूख रही है इसको यहीं रखेंगे, फिर उसके बाद चारे पे लगाएंगे। तो ये थी आज के दिन की एक्टिविटी। कल चांद रात है, आखिरी दिन है, आखिरी रात है, तो इसको भी अच्छे से जानवर के साथ गुजारेंगे। अपने जानवर का भी ख्याल रखें, आखिरी दिन है, अपना भी ख्याल रखें। पेज को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।